अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। साइटोकाइनेसिस। स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस का स्टेप है एक्चुअली, ये मियोसिस या माइटोसिस के दो बड़े फेजेस में से एक फेज है। माइटोसिस का पहला फेज था कैरियोकाइनेसिस, जिसमें आप लोगों ने न्यूक्लियस की तकसीम को सीखा था, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बाद अब हमारी बारी है जहां पर सेल का साइटोप्लाज्म तकसीम होगा, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो बड़े दो फेजेस में से दूसरा बड़ा फेज जो है वो साइटोकाइनेसिस है। किस तरीके से प्लांट और एनिमल सेल अपने न्यूक्लियस को तकसीम करता है, आइए इसको सीखना है। इसमें हमारे पास प्लांट सेल का अलग मैकेनिज्म है और एनिमल सेल का अलग मैकेनिज्म है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय द प्रोसेस नाउन एज क्लीवेज। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल, और ये ऑब्जेक्टिव आती है कि एनिमल सेल के अंदर किस तरीके से ये किस प्रोसेस के जरिए क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। तो वो होती है स्टूडेंट क्लीविज के प्रोसेस से। अ क्लीविज फर्व, एक क्लीविज की जो झुर्री होती है, फर्व झुर्री को कहते हैं, डेवलप वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी, जहां पर क्या होती है हमारे पास बनी हुई होती है, जिस जगह पर कभी मेटाफेज प्लेट बनी होती है उस जगह पर ये हमारे पास एक तरह का समझ एनिमल सेल है। इसमें ये दरमियान में क्लीविज फर्व बन रही है, झुर्री होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये इंप्रेशन गहरा होता जा रहा है। जिस तरीके से ये इंप्रेशन गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे स्टूडेंट ये अंदर की तरफ क्या होती जाएगी, इनविजिनेट होती जाएगी, अंदर की तरफ धंसती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, ये सारे का सारा सेटअप अलग होता हुआ साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो हम कह देते हैं हमारे पास क्या होता है, द क्लीविज फर्व डिवेल्प वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी, द फर्व डीपेंड एंड एवेंचुअली पिंचेस, अंदर की तरफ क्या होती है धंसती जाती है, पिंच इन होती जाती है और पेरेंट सेल जो होता है वो दो डॉटर सेल में तकसीम हो चुका होता है। जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया वैसे ही सारा सेटअप है, लेकिन प्लांट का सेटअप थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि प्लांट के अंदर सेल की जब साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है तो उस दौरान क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट का इस्तेमाल होता है जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से हमारे पास यहाँ पर आती है। तो क्योंकि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट अकर डिफरेंटली, थोड़ा सा अलग होती है। विजिकल्स जो कि कहाँ से आती हैं, गॉल्जी ऑपरेटर से आती हैं, वो मूव करती हैं मिडल ऑफ द सेल एंड फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क कॉल्ड प्लेट, जिसका नाम है फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक तरह का क्या है, इसे बना हुआ, जिसमें हमारे पास एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के दरमियान के अंदर क्या हो रही है, बहुत सारी गॉल्जी विजिकल्स जो है वो जम होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है। इकट्ठी होने के बाद आखिर पे वहां पर एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बनी, जिसे आपने क्या नाम दिया है, फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट का नाम दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेट गहरी हो गई और फिर उसने क्या किया, प्लांट सेल को दो हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो ये मैकेनिज्म है किसका, प्लांट के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट का। द प्लेट ग्रो आउटवर्ड, आहिस्ता आहिस्ता प्लेट क्या होती है, बन जाती है, तो वो ग्रो करती है आउटवर्ड एंड मोर वेसिकल फ्यूज विद इट, इसके साथ क्या होती है और वेसिकल क्या होती है, फ्यूज होती है। फाइनली के एंड पे क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ द सेल प्लेट फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आखिर पे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है एंड इट्स कंटेंट जॉइन द पेरेंट सेल वॉल, हमारे पास क्या होती है, आखिर पे ये पेरेंट सेल वॉल को ज्वाइन करती है। द रिजल्ट इज टू डॉटर सेल, इसके नतीजा में दो डॉटर सेल जो होते हैं क्या होते हैं, वो बाउंडेड होकर निकल आते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दो हिस्सों में डिवाइड होकर आपके एक एनिमल सेल को क्या कहते हैं, एक प्लांट सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी है और इसमें से ये ऑब्जेक्टिव भी आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की। जी स्टूडेंट, आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।